जिसका नाम क्या है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नाम क्या है उस चैप्टर का? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब आप मुझे बताइए लाइट के बारे में आप क्या क्या चीजें जानते हो ऑलरेडी। लाइट क्या क्या शो करता है मैं बताता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लाइट के लिए हम जानते हैं वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। राइट, जानते हो सब लोग? जानते हो कि नहीं? हाँ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई। और क्या जानते हैं लाइट के बारे? लाइट और क्या करती है? लाइट शोज प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट बोलना चाहिए। लाइट शोज रिफ्लेक्शन, लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन, है ना? आप बताइए और क्या करता है लाइट? रिफ्रैक्ट करता है ना? और क्या करता है लाइट? डिस्पर्स डिस्पर्जन करता है। और कुछ जो आपको पहले से मालूम है, पढ़ा हुआ है आपने कभी ना कभी? स्कैटरिंग पढ़ा था क्लास 10th में, पढ़ा था? हाँ पोलराइजेशन भी पढ़ा था। केमिस्ट्री में? अरे लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आर एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है? हाँ सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पोलराइजेशन के बिना कैसे करते काम? ठीक है, तो पोलराइजेशन था। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए। और कुछ जो लाइट शो करता है? इसके अलावा लाइट अंडरगोज, लाइट शोज इंटरफेरेंस। ठीक है, और क्या लाइट कर सकता है? लाइट शोज डिफ्रैक्शन। और कुछ? एक अगला चीज भी आप पढ़ चुके हैं, दो चीज आपने नहीं पढ़ी, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, लेकिन इसका नेक्स्ट पॉइंट जो लिखाने जा रहे हो भी आप पढ़ चुके हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? कितने हो गए? गिनिए दो। नो 9 हो गए। अगला है रमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें से आप क्या क्या अच्छे से जानते हो। मैंने आपको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पढ़ा दिया, रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया, रिफ्रैक्शन पढ़ा दिया, डिस्पर्जन पढ़ा दिया, स्कैटरिंग आप लोग ऑलरेडी जानते हो बट फिर भी हम पढ़ेंगे बाद में, तो इसको मैं यहाँ गोला लगा दे रहा हूँ। पोलराइजेशन भी आप लोगों ने हल्का फुल्का पढ़ा है, मुझसे नहीं पढ़ा, इसमें भी गोला लगा दे रहा हूँ, इनको हमें पढ़ना है। देन कम्स इंटरफेरेंस, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा। डिफ्रैक्शन आपने अभी तक नहीं पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है बट फिजिक्स में वापस से पढ़ना है, तो इसमें भी मैंने गोला लगा दिया। रमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट अभी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर, तो हमें चार नो पता सर। है, तीन के बारे में आइडिया है ठीक से नहीं पता, और दो हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि होता क्या है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो कहानी यहां पर शुरू होती है न्यूटन से। फिर से न्यूटन कहीं पीछा नहीं छोड़ता, बहुत ही पता नहीं कैसा आदमी था, या तो वो खतरनाक था या हम बेवकूफ है, पता नहीं जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, पता नहीं न्यूटन क्या क्या बता के चला गया भाई। डिस्पर्जन के बारे में भी तो न्यूटन ने बताया था ना? है ना? ये सब तो उसके वो है साइड वाले। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, चलो अस्थि तो ग्रेविटेशन और सब बड़ा पता किया,
ये सब, हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है ना। तो न्यूटन अंकल ने क्या बोला, न्यूटन अंकल ने कहा कि लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड, क्या नाम दिया उसने उसका, कॉर्पस्कल, ठीक है, समझ में आई बात, लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्कल। बोला कि जो लाइट का सोर्स होता है उससे लगातार खूब सारे पार्टिकल्स निकलते रहते और यही कारण है, मतलब और लाइट इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के से बना हुआ है। न्यूटन ने बोल दिया, लोगों ने मान लिया। न्यूटन ने इसका यूज करते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सब प्रूफ कर डाला। हालांकि रिफ्रैक्शन का जो उसने प्रूफ दिया था वो पूरी तरीके से गलत था, मतलब उसमें कुछ भी सही नहीं था, पर फिर भी उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सब उसने इसका यूज करते हुए बता दिया, मतलब रिफ्लेक्शन बता दिया, रिफ्रैक्शन बता दिया, रेक्लिनियर प्रोपगेशन बता दिया, ठीक है, डिस्पर्जन भी बता दिया उसने, समझ में आई बात, कोई दिक्कत, स्कैटरिंग भी बता दिया, पोलराइजेशन उस वक्त तक किसी ने खोजा नहीं था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस वक्त तक किसी ने खोजा नहीं था, इसके लिए जरूरत पड़ी हमें आइंस्टीन की। बचा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये चीज न्यूटन नहीं एक्सप्लेन कर पाए, मतलब न्यूटन के सामने नहीं थी, न्यूटन के जमाने में ये सब चीजें, मतलब न्यूटन ने इसका, इसको पार्टिकल मानते हुए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। न्यूटन के ही टाइम पर एक और बंदा आया जिसका नाम था, अरे बेटा ड्यूअल नेचर किसने दिया था, अच्छा हाइजन, तो इसका नाम है हाइजन, ह्यूजन, ठीक है, ह्यूजन्स प्रिंसिपल। ह्यूजन ने न्यूटन से डायरेक्ट टक्कर ली, बोला न्यूटन तुम गलत हो, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है, लाइट इज वेव, ये कह दिया आपने ह्यूजन अंकल ने। तो न्यूटन ने बोला भाई अगर लाइट वेव है तो तू मुझे बता लाइट स्पेस में सन से अर्थ तक कैसे आई, मीडियम तो है नहीं, मीडियम जी है ना, हाँ है ना, वेव को प्रोपगेट करने के लिए तो मीडियम चाहिए, एटलीस्ट न्यूटन के जमाने तक चाहिए था, है ना, हाँ ना। उसने बोला देखो उसके पीछे कुछ और एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, मैं पहले मेरी बात पूरी सुना, ह्यूजन ने बोला लाइट इज वेव, और इट प्रोपोगेट्स फॉर्मिंग वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, वेव फ्रंट्स होते हैं लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग सेम फेज। कहने का मतलब मान लेते हैं ये मेरा एक सोर्स है लाइट का, ठीक है, अब लाइट इससे इस सोर्स से चारों तरफ निकली, लेट्स से तो क्या होगा, अगर ये एक सिंपल सोर्स है, अच्छा सोर्स है, सिंपल सोर्स का नाम वगैरह सब बाद में देखेंगे, बट मान लीजिए कि ये एक बहुत ही सिंपल सा सोर्स है जो सिर्फ एक ही कलर की लाइट निकालता है, एक ही वेवलेंथ की लाइट निकालता है, और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है इसमें, तो इक्वल डिस्टेंस पर इस लाइट के सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर हर पॉइंट पर फेज सेम रहेगा, और उन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो ये एक स्फीयर बन जाएगा, हाँ या ना, बनेगा कि नहीं, यस सर, दिस स्फीयर विल बी कॉल्ड अ वेव फ्रंट, दिस स्फीयर विल बी कॉल्ड अ वेव फ्रंट इन सारे पॉइंट्स पे, क्योंकि का फेस सेम है, वेव पता होगा तो वेव अगर अगर बात करोगे तो फेस के बारे में बात करना पड़ेगा ना, आया ना, इक्वेशन क्या थी वेव की, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा
टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यही था ना। अब समझो टाइम सबके लिए सेम है, एक्स भी सबके लिए सेम है क्योंकि सब सेम डिस्टेंस पे गए हैं और फाइव तो ऐसे ही कांस्टेंट है, तो सेम एक्स पे सबका सेम फेज आया कि नहीं आया? आया ना, बोलो। तो वो बोला ये एक वेव फ्रंट बना, लेकिन यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसने असली बात बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी पॉइंट वेयर लाइट रीचेस एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। इसीलिए लाइट, अगर लाइट उसका उसका लॉजिक था कि अगर पार्टिकल्स से बना है लाइट तो पार्टिकल्स तो फाइनाइट होंगे, है ना? है ना, बोलो ना। अच्छा तो कहीं अगर आप बहुत दूर चले जाओगे लाइट के सोर्स से, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट आना चाहिए ना जहां पे आपकी दीवार है, मान लो सोर्स बहुत दूर है, सोर्स बहुत दूर है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जब भी निकलेंगे फाइनाइट निकलेंगे, तो उसका कहना था, तो सोर्स अगर बहुत दूर है तो ऐसा होना चाहिए कि यहां पर लाइट बनी, यहां पर लाइट आई, बाकी यहां पर बीच में डार्क हो गया, यहां पर लाइट आई, यहां पर डार्क हो गया, ऐसा होना चाहिए था, है ना? सिंपल एक सोर्स रखने से। थोड़ी देर बाद जब पार्टिकल इधर आया, अगला पार्टिकल, तो यहां पर लाइट आया, यहां पर डार्क हो गया, थोड़ी थोड़ी देर के लिए डार्कनेस और डार्क और लाइट होते रहना चाहिए था। हालांकि लॉजिक उतना स्ट्रांग नहीं, बट ऐसा कुछ सोच के उसने बोला कि वेव से ही इस चीज को रिस्पॉन्सिव को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जहां भी वेव पहुंचे वहां पर नया सोर्स बना दो, अदरवाइज वेव के हाथ वही हो जाएगा कि अल्टीमेटली दूर जाते जाते हर पॉइंट पे वेव पहुंचेगी ही नहीं। इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए उसने बोला एवरी पॉइंट वेयर लाइट रीचेस एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट। पर इसका एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन आ गया। क्या बोलते हैं, आपके चाइना में, उस जमाने में चाइना में एक मतलब थिएटर हुआ करता था। थिएटर में क्या होता था, आपके थिएटर में रूम है, ये यहां स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है, और यहां पर एक बहुत ही छोटा सा होल है, ठीक है बेटा? यहां पर ये बहुत ही छोटा सा होल है, ओके। क्या होता था, अंदर ऑडियंस खड़े होते, बैठे होते थे, खड़े होते जो भी मान लो, खूब सारे ऑडियंस खड़े हैं, और यहां पर एक डांसर डांस करता था, ठीक है? क्या होता था, इस होल से जब लाइट जाती थी तो आगे स्क्रीन पर एक इन्वर्टेड इमेज बनती थी, ठीक है? और ये डांसर है, ये जो यहां पर जो भी डांस करता था अंदर उल्टा नजर आता था, ठीक है? ये काफी पॉपुलर था उस वक्त चाइना में कि उल्टा आदमी उल्टा डांस कर रहा है, ठीक है बेटा? आजकल के लोगों तो ये क्या है, तो छोटी सी चीज है, लेकिन उस जमाने में बहुत बड़ी चीज थी कि आदमी जो है उल्टा डांस कर रहा है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब लाइट यहां पहुंची है ना, तो यहां पर ये नए सोर्स की तरह काम कर रही है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? तो एवरी पॉइंट वेयर लाइट रीचेस एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, ये इसने पॉइंट बोला, और इसी तरीके से लाइट प्रोपेगेट करती है। इसके बेसिस पर ह्यूजन ने कहा कि अलग अलग सोर्सेस का, अलग अलग सोर्सेस के वेव फ्रंट कैसे कैसे बनेंगे, ये ह्यूजन ने बताने की कोशिश करी। उसने क्या बोला, अगर मैं एक पॉइंट सोर्स लूं, जो हम ऑलरेडी ले चुके थे, अगर हम एक पॉइंट सोर्स लें अगर हम एक पॉइंट सोर्स लें तो पॉइंट सोर्स में क्या होगा, पॉइंट सोर्स से लाइट निकली, चारों तरफ
तो एक वेव फ्रंट बना स्फेरिकल, हाँ या ना? हाँ या ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था। फिर उसने कहा जहां जहां लाइट पहुंची वो सारे पॉइंट्स फिर से नए सोर्स की तरह बिहेव किए, ये वाला पॉइंट, 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 ये सब के सब फिर से नए सोर्स की तरह बिहेव करे, है ना? तो इन सबसे नए नए वेव फ्रंट बने, है ना? समझ में आ रहा है? इन सारे पॉइंट से नए नए वेवफ्रंट बने कि नहीं बने? तो उसने कहा नहीं, जो ओवरऑल वेवफ्रंट होगा वो इन सारे वेवफ्रंट्स का कॉमन टेंजेंट होगा। ओवरऑल वेवफ्रंट जो होगा वो इन सारे वेवफ्रंट्स का कॉमन टेंजेंट होगा। और अब इस नए वेवफ्रंट के सारे पॉइंट्स नए सोर्स की तरह वेव करेंगे, उससे और नए वेवफ्रंट बनेंगे, उससे और नए वेवफ्रंट बनेंगे, उससे और नए वेवफ्रंट बनेंगे, और उस तरीके से वेवफ्रंट वेवफ्रंट बनते बनते लाइट आगे प्रोपेगेट करती जाएगी। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या चल रहा है। यस पक्का? हां सर। तो इस तरीके से उसने बोला लाइट जो पॉइंट सोर्स है इससे कैसे वेवफ्रंट बनेंगे, इससे बनेंगे स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। वहीं अगर हम लाइन सोर्स ले लें, लाइन सोर्स का मतलब इनफाइनाइट लाइन होता है, ठीक है? मतलब बड़ा लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स के आसपास की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इसका हर एक पॉइंट एक सोर्स का सोर्स है, इसलिए यहां से लाइट इधर निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी कुछ ऐसे, है ना? आया ना? यहां पर एक सर्कल बना, सिमिलरली इसके अराउंड भी एक सर्कल बनेगा, हाँ या ना? बनेगा कि नहीं? तो ओवरऑल जो है वो क्योंकि हर एक पॉइंट से निकला इसलिए ये एक सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बन जाएगा। बनेगा? बोलो ना। अब इस सिलेंडर का हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इससे फिर से लाइट निकलेगी, नए नए वेवफ्रंट निकले और ओवरऑल फिर से एक नया सिलेंडर बन जाएगा ऐसे ही, हाँ या ना? तो ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स बनाते हुए लाइट आगे प्रोपगेट करेगी। क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? क्लियर है लाइन सोर्स से? यस। जैसा मैं लेफ्ट बनाया वैसा ही राइट बनेगा, वैसे पीछे बनेगा, वैसे आगे बनेगा, चारों तरफ बनेगा, तो ओवरऑल शेप कैसा बन जाएगा? सिलेंड्रिकल बन जाएगा, राइट? लाइन सोर्स के बाद आपका है प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स ऑफ लाइट मतलब एक प्लेन है। देखा कभी किसी ने प्लेन सोर्स लाइट का? नहीं देखा ना? देखा है कभी स्टूडियो में गए फोटो खिंचाने के लिए? वहां प्लेन लाइट होती कि नहीं होती? प्लेन सरफेस होता है कि नहीं होता लाइट सोर्स का? आया ना? यस। तो अगर प्लेन सरफेस है तो आपको क्या लगता है उससे वेवफ्रंट कैसा बनेगा? कैसा बनेगा प्लेन सरफेस वेवफ्रंट? प्लेन सरफेस ही बनेगा ना? हाँ, प्लेन सरफेस से लाइट निकलेगी, वहां पे नया प्लेन सरफेस बनेगा, वहां से लाइट निकलेगी, एक नया प्लेन सरफेस बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना? तो उसके
डायग्राम बनाने में थोड़ा इश्यू है, बट आपको दिख रहा है ना कि इसके प्लेनर वेव फ्रंट्स ही बनेंगे। हाँ या ना, कोई दिक्कत? सर टीवी भी तो यही, क्या टीवी भी तो प्लेन वेव फ्रंट ही फॉर्म करेगा? क्या बोले सर? टीवी भी तो प्लेन वेव फ्रंट ही फॉर्म करेगा? टीवी भी एक प्लेन सोर्स ऑफ लाइट है, उसके भी प्लेनर वेव फ्रंट बनेंगे। सनलाइट जो हमारे पास आ रही है उसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? प्लेनर बनेंगे। बेसिकली यूं समझ लो, वेव फ्रंट्स टू लाइट is like equipotential surface to electric field। मतलब क्या होगा, ये हमेशा ही light के propagation के direction के normal होगा। That is surface is always, wavefront is always normal to the direction of, normal to the direction of propagation of light। ठीक है बेटा, कोई इश्यू? नहीं सर। ठीक, बेसिकली आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मान लेते हैं एक प्लेन सोर्स लाइट आ रही है, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो एक ऐसा प्लेन आपका वेव फ्रंट बनेगा। ये वेव फ्रंट आगे ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एक के बाद एक वेव फ्रंट सोर्स से निकलते जा रहे। कैन यू इमेजिन इट कि वेव फ्रंट बस निकलते जा रहे। आया ना, एक के बाद एक। यहां से स्फेरिकल वेवफ्रंट निकला, निकलता गया, एक के बाद एक निकलता जा रहा है स्फेरिकल वेवफ्रंट पॉइंट सोर्स से। यहां से सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट निकलता जा रहा है, राइट? कैन यू इमेजिन इट कि नहीं? हां सर। वैसा ये कुछ इस तरीके की पिक्चर हमारे ह्यूजन अंकल ने पोर्ट्रे की लाइट की। सुना कि जो सुन रहा था वो बोर हो गए, क्या बकवास करे पड़े हो यार, कुछ तो इसका यूज बताओ, अपने मन से जो मर्जी बोले पड़े हो इतनी देर से। तो उसने बोला देखो, तुमने अगर ये मान लिया ना तो मैं तुमको स्नेल्स लॉ ऐसा का ऐसा डिराइव करके दिखा दूंगा। स्नेल्स लॉ, मैं तुमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव करके दिखा दूंगा। जो लॉ, जिसको लॉ मान रहे हो ना, उसको मैं डिराइव कर दूंगा, तो देखते हैं कैसे होगा। मैं स्नेल्स लॉ डिराइव कर रहा हूँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिराइव कर रहा हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे ही डिराइव होता है, ठीक है, तो वो आप खुद से ट्राई करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ह्यूजन अंकल की बात मानते हुए हम देखते हैं स्नेल्स लॉ डिराइव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। उसने कहा लेट्स से ये हमारे दो मीडियम्स के बीच की बाउंड्री है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं म्यू वन है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं म्यू टू है। एक्चुअली उसने वन और म्यू माना था, वन और एन माना था, मैं म्यू वन म्यू टू मान रहा हूं। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई प्लेन लाइट आकर इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है म्यू वन से, कुछ ऐसे कुछ एंगल पर,
तो अगर एक लाइट रे इधर से आई है आज ही तो मैं कहीं पे स्केल देख रहा था ठीक है अगर एक लाइट रे ऐसे आई है तो दूसरी लाइट मैं और बता दे रहा हूं जिससे कि मैं डेरिवेशन कर पाऊं दूसरी लाइट क्योंकि पैरेलल बीम है इसलिए ऐसे आएगी है ना ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो ये भी क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हाँ है ना अब हमने कहा कि यार इन दोनों रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सेम है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सेम होगा लेट्स से ये रे इधर चली गई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पर ये रे इधर चली गई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पर दोनों रेज ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पर सेम एंगल पर निकल ली कोई दिक्कत नाउ बाय ह्यूजेंस पिक्चराइजेशन ऑफ लाइट क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे वेव फ्रंट के बाद वेव फ्रंट निकलते आता जा रहा 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 है आया ना आया ना हाँ तो मैंने एक वेव फ्रंट यहाँ पे बना लिया मैंने बोला लेट से यहां पर जो लाइट की वेलोसिटी v1 है यहां पे लाइट की वेलोसिटी लेट से v2 है तो क्या होगा थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट जो यहां था वो यहां पहुंचेगा है ना और इसके बाद समस्या होगी शुरू क्यों ये वाली लाइट अभी मीडियम वन में ही है और ये वाली लाइट मीडियम टू में चलेगी अब वेव फ्रंट कंफ्यूज किसको वेलोसिटी v1 से चलना है कि वेलोसिटी v2 से चलना है ना हाँ या ना समझ में आ रही बात यस सर तो भाई समझो ये दो लाइट नहीं दो लाइट रेज नहीं पूरी लाइट की बीम है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जोड़ के हम लोगों ने वेवफ्रंट बना दिया यहां पे बहुत सारी लाइट रेज है है ना आया ना थोड़ी देर बाद क्या होगा एक और लाइट रे अगर मैं बीच की कंसीडर करूं तो ये लाइट रे अभी यहां पहुंची है पहली T1 पे ये वाली रे पहुंची T2 पे ये वाली रे पहुंची और T3 पे लेट से ये वाली रे पहुंची तो T1 टाइम के बाद ये रे भी सेम एंगल पे जाएगी हाँ या ना जाएगी कि नहीं बोलते जाओ हाँ ना जाएगी ठीक है तो यहां पे इनफैक्ट जितनी भी बीच पर रेज होंगी सारी की सारी सेम एंगल पे जा रही होगी है ना मीडियम टू में सारी रेज सेम एंगल पे जा रही है यहां से लेकर यहां तक एट टाइम टी वन यहां से लेकर यहां तक की सारी रेज सेम एंगल पे जा रही होंगी नहीं जा रही होंगी बताओ तो हम इस मोमेंट पे टाइम टी वन पे अगर हमारे वेव फ्रंट को देखेंगे तो वेव फ्रंट क्या यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे होगा कि नहीं होगा होगा yes. होगा कैन यू इमेजिन कि जैसे जैसे लाइट रे वेवफ्रंट इधर आ रहा है इधर मुड़ता जा रहा है अंदर वाला और वहां वाला इसी एंगल पर है जो आगे पहुंचेगा ये ऐसा और ये वेवफ्रंट इधर ऐसा हो जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आया ना अब देखो ये वाला वेवफ्रंट और ये वाला वेवफ्रंट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया आपको डेरिवेशन में नहीं बनाना ये और नहीं ये बीच में लाइट बनाने की जरूरत है ठीक है अब हम सीधे बनाएंगे वो वेवफ्रंट जो जब ये वाली लाइट इस मीडियम में पहुंच गई उस वक्त की मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस मीडियम में पहुंच गया उस वक्त की ये रहा कि नहीं रहा वेवफ्रंट
हाँ है ना। ऐसा ही होगा ना। तो इस इंसिडेंट को मैंने बोला t इज इक्वल टू जीरो, इस इंसिडेंट को बोला मैंने बोला टाइम t, ठीक है। t इज इक्वल टू जीरो पे रे वन पहुंची थी, टाइम t पर रे टू जो दूसरे एंड पे वो पहुंचा, ठीक है बेटा। कोई आपत्ति किसी को? टोटल इस पॉइंट के, इस वेव फ्रंट के इस एंड को मीडियम के इंटरफेस से पहुंचना और इस एंड के इंटरफेस मीडियम के इंटरफेस से पहुंचने के बीच में टाइम इंटरवल कितना है? टी। तो उतने टाइम इंटरवल में लाइट जो है इतना ट्रेवल कर ली इस मीडियम में और इतना ट्रेवल कर ली इस मीडियम में, आया ना? हाँ सर। तो ये लेंथ हो गया मेरा v1t और ये लेंथ हो गया मेरा v2t। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो अब देखिए ये वाला ट्रायंगल ऊपर जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, और दोनों का ये वाला साइड कॉमन है ना? हाँ है ना। आपको ये बीच वाला कॉपी नहीं करना, इसे समझाने के लिए बताया था, ये वाला और ये बीच वाले रे कॉपी नहीं करनी, ठीक है ना? सिर्फ ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ये वाला ट्रायंगल इतना ही दिखेगा आपको। ये कॉपी नहीं करना है, ये कॉपी नहीं करना है और ये बीच वाली रे भी कॉपी नहीं करनी, सिर्फ समझा रहा था मैं आपको। तो ये साइड जो कॉमन है, मैं इसकी लेंथ निकालता हूं। देखिए ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल आर है, हाँ है ना? बोलो। हाँ सर। ये आर तो ये 90 डिग्री माइनस आर, ये फिर से आर, ये आई तो ये वाला एंगल आई, क्योंकि ये आई तो ये 90 डिग्री माइनस आई तो ये फिर से वापस आई हो गया, राइट है ना बेटा? अब अगर मैं इस डिस्टेंस को डी बोल दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डी साइन आई इज इक्वल टू वी वन टी एंड डी साइन आर इज इक्वल टू वी टू टी, बोल सकता हूं कि नहीं? हाँ ना? हाँ सर। दिस इंप्लाइज साइन आई अपॉन वी वन इज इक्वल टू साइन आर अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी अपॉन डी, हाँ ना? दिस इंप्लाइज सी अपॉन वी वन साइन आई इज इक्वल टू सी अपॉन वी टू साइन आर, दिस इंप्लाइज म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। डिराइव हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। अब देखो मैंने एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगाया, इसको ड्राइव करने में उतना टाइम लगता नहीं है, एक्सप्लेन करने में मैंने बहुत टाइम लगाया, पर इतना टाइम इसको ड्राइव करने में अगर एग्जाम में आएगा तो एक मिनट का काम है, दो मिनट ज्यादा से ज्यादा। फट 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 डायग्राम बनाओ, ये लाइन खींचो, ये लाइन खींचो, वी वन टी वी टू टी, फिर क्या करना है? डी डी साइन आई इज इक्वल टू वी वन टी, डी साइन आर इज इक्वल टू वी टू टी, इतना ही तो करना है ना? तो हमारे पास स्नेल्स लॉ डिराइव हो गया यूजिंग प्रिंसिपल, लॉ डिराइव हो गया प्रिंसिपल का यूज करते हैं, समझ में आ रहा है? सब क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस। ओके बेटा, अब हटा दे फिर इसे।
ठीक है। देखो अब अगर इतना कुछ बता दिया न्यूटन के सामने, न्यूटन के मुंह पे उसको गलत बोल रहा है, लोग सुनेंगे क्या? न्यूटन सुनेगा? नहीं सुनेगा। न्यूटन ने बोला भाई ज्यादा हीरो ना बन, तेरी पूरी की पूरी थ्योरी गलत है। ले क्यों? क्योंकि तेरी थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स उस जमाने में बोला, सबसे पहला ड्रॉबैक तो बोला वैक्यूम में लाइट कैसे आया, बताओ वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कैसे करी उस जमाने में, ये बोला। ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वैक्यूम में वेव ट्रेवल कैसे करता है, समझ में आई बात? आज की डेट में पता है, बट उस जमाने में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर बोला अच्छा वैक्यूम में वेव ट्रेवल नहीं कर सकता, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात मुझे बता कि मतलब बैकिंग क्या है, किस बेसिस पे बोल रहा है, तो वो भी नहीं बोल पाया। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि इफ एवरी पॉइंट एक्ट्स लाइक अ न्यू सोर्स, अगर हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, देन लाइट शुड ऑल्सो मूव बैकवर्ड्स। मतलब समझो, मैंने एक टॉर्च लिया, एक टॉर्च लिया, मैंने टॉर्च जलाया, लाइट ऐसे गई लेट से, बहुत अच्छा फोकस था, एकदम स्ट्रेट बीम गई। लेकिन जब लाइट यहां पहुंची तो ये सोर्सेज जो है, ये जो पॉइंट्स जो है नए सोर्स की तरह बिहेव किए, तो यहां से लाइट सिर्फ आगे क्यों जाएगी, लाइट पीछे भी तो आएगी अगर नए सोर्स है तो। हाँ ना? हाँ ना? हाँ सर। किस बोला? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ आगे जाता है, आगे जाता है। ह्यूजन ने बोला ये मान लो आगे जाता है, आगे जाता है, ह्यूजन ने ऐसा बोला। चलो तो यार तुम कुछ भी बोल रहे हो, आधी अधूरी बातें, तो उसकी बात को लोगों ने डिस्क्रेडिट कर दिया कि तुम फालतू बकवास कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारी थ्योरी का, कोई कोई अग्गा पीछा नहीं, बस कुछ भी जो मन में आया बोले जा रहे हो। ठीक है, ये बोल के ह्यूजन को, ह्यूजन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, ह्यूजन को भगा दिया सारे न्यूटन के चमचों ने। ठीक है, समझ में आई बात? Yes. पक्का ड्रॉबैक क्लियर है? मेनली ये वाला ड्रॉबैक है। Yes. ठीक है, वैसे भी बहुत सारे और भी थे कि यार वेव कैसे बोल दिया तुमने, वेव की और क्या प्रॉपर्टीज हैं, कुछ तो बता दो। ठीक है, तो इस वजह से उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर न्यूटन चल बसा, उसके कुछ सालों बाद देखो सब बहुत सारे साइंटिस्ट थे और भी जो ह्यूजन की बात को सही बोल रहे थे कि नहीं लाइट को पार्टिकल मान के काम नहीं चलेगा, लाइट को वेव मानना पड़ेगा, लाइट वेव है, लाइट वेव है, बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट बोल रहे थे। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने जो बोल दिया वो भगवान की लिखी हुई लकीर हो गई थी, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ मतलब उसकी थ्योरी को उस वक्त के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में आया यंग, नाम तो सुना ही होगा, सुना है? यंग का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? कहाँ था ये यंग? यंग्स मॉडल्स। यंग्स मॉडल्स देखा था ना? हाँ वही यंग है ये। एक्चुअली मैंने आपको शायद स्टोरी सुनाई होगी तो अरे वो जो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो था ना, वो किसका किसका लॉ था, लॉग साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट का नाम क्या था स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला? बोलो सर। हुक। हाँ तो जो हुक अंकल थे, आपको पता है हुक और न्यूटन के बीच की बीच में बहुत बड़ी एंटी थी, बताया था ना मैंने, पूरी कहानी सुनाई थी ना 11th क्लास में, दोनों के बीच में झगड़ा था।
ठीक है, इतना झगड़ा था कि हुक ने न्यूटन को कोई थ्योरी का, हुक न्यूटन को अपने किसी भी काम का क्रेडिट लेने नहीं देता था, और अल्टीमेटली न्यूटन ने हुक की जो इकलौती पोर्ट्रेट थी, इकलौती जो फोटो थी, उसको जला दिया। ये सीन था दोनों के बीच में राइवलरी का। और यंग जो है ये उसी हुक का स्टूडेंट है, ठीक है, यंग जो है वो हुक का स्टूडेंट था। तो यंग ने बोला, देखो न्यूटन, तुमने मेरे प्रोफेसर को तो बहुत जलील किया, मैं बदला लूंगा। तो यंग ने प्रूफ किया कि लाइट वेव है बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द मतलब वन ऑफ अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स कॉल्ड वाई डी एस ई, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमें पढ़ना है कि आखिरकार इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, देखो दो तरीके हैं पढ़ने के, या तो मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको बता दूं कि देखो इसने ये किया तो ये रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट से, अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसे वेव की जरूरत पड़ी तो वेव से पूरा का पूरा हम लोग उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, हम लोग पहले इंटरफेरेंस क्या होता पढ़ ले, फिर देखें कि खुद से अंदाजा लगाएं कि यंग के एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इंटरफेरेंस पढ़ाकर फिर यंग के रिजल्ट, यंग जो एक्सपेरिमेंट करेगा उसमें क्या क्या रिजल्ट आना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। पहले इंटरफेरेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे। कल से तो वैसे आपकी रेगुलर क्लास, सॉरी वो वाली क्लास शुरू हो जाएगी, बट आप लोगों का एक काम है, होमवर्क है, जितना हो सके क्लास 11th में जो आपने वेव पढ़ा था उसमें एक बार उसमें इक्वेशन ऑफ वेव्स रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और सुपरपोजिशन के अंदर ही एक इंटरफेरेंस भी आ रहा होगा, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया था 11th क्लास में, वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, जितना कर पाओ कल तक कर लो। उसके बाद कल तो क्या, कल तो आपकी मैथ्स है ना, ठीक है, उसके बाद मैं ये पोर्शन आपको इंटरफेरेंस करा दूंगा। देखिए जब मैं इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा तो मैं अज्यूम करूंगा कि आप ये सब चीजें भूल चुके हो, पढ़े हुए तो हो लेकिन भूल चुके हो, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि आप भूल के आए हो, उस वहां से शुरू करूंगा चीजों को। बट फिर भी एक बार अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे तो आपका फायदा रहेगा, ठीक है, डेफिनेटली फायदा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले इंटरफेरेंस क्या होता है ये करेंगे, अगली दो क्लास क्योंकि एक एक घंटे की होगी तो उसमें ये इंटरफेरेंस क्या होता है ये देखेंगे, फिर YDSE पढ़ के कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, उसके बाद तो अपने पास रहेगा डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और स्कैटरिंग। ठीक है, इतना आपका ऑप्टिक्स का बचा हुआ है, उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स है और वो भी है, नाम क्या है, सेमीकंडक्टर भी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए क्लास ओवर है। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।